गया, असंख्य काया गुणों को आभूषण के रूप में धारण करके भगवान की अगवानी कर गया था। आकाश मंडल ने कहा देवलोक से भूतल पार निकलेंगे तो मेरे माध्यम से राहुल ने भगवान की अगवानी कर ले। फिर लिखते हैं मही मंडल पुष्प्रह पृथ्वी देवी को सुनने में केला हो, आज भगवान लक्ष्मी लोक को त्याग कर मेरे ऊपर आ रहे हैं। भगवान की दो पत्नियां हैं श्रीदेवी भोदेवी, भोदेवी को सुनने मिला मेरी शोक लक्ष्मी के स्थान को त्याग कर मेरे ऊपर भगवान आ रहे हैं, तो अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर के भगवान की अगवानी करने के लिए खड़ी हो गई। कोई आ रहा हो जा रहा हो किसी नारी के गोद में बालक बहुत अच्छा शकुन मानते, आज भोदेवी ने अपने पुत्र मंगल को लेकर के भगवान की अगवानी करने लगी। दूसरा अर्थ यह भी है पूर्माने मथुरापुरी, ग्राम माने नंदग्राम, आकर माने रत्नों की खान, द्वारिकापुरी भूमि, मंगल भूष्ट मंगल भूष्ट होने लगी। कहा मेरे ऊपर ही भगवान की यहाँ लीलाएं होंगी। वृंदावन धाम को भगवान ने लीला सोधप्रोत कर दिया, मथुर मंडल को सुशोभित कर दिया, सवर्ष की लीला भगवान ने द्वारिकापुरी में की, 11 वर्ष की लीला भगवान की ब्रजमंडल की है, 14 वर्ष की लीला मथुर मंडल की है और 100 वर्ष की लीला भगवान की द्वारिकापुरी है। 125 वर्ष तक इस धरा धाम को द्वारका भी भगवान ने सुना। नदियों के अंदर उफान बाढ़ क्यों आ गई, आनंद की लहर क्यों आ गई? नदियों ने कहा आज तक किसी अवतार में मेरी जाति के साथ में भगवान ने विवाह ही नहीं किया। रावण अवतार में एक पत्नी ने धारण किया, वामना अवतार परशुराम अवतार ब्रह्मचर्य ही बने रहे। अब की बार भगवान कृष्ण मेरी जात की जो यमुना जी उनको चतुर रानी पटरानी बनाएंगे, तो नदियों के अंदर आनंद की अगली बार हम सेवा करेंगे। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी भगवान की अगवानी करने के लिए। अग्निस्त्र द्विजाति नाम संत तत्व संधत, द्विजाति वर्ग के लिए जो अग्नियां संत हो गई थी, कंध ने कह दिया था कि मेरे यहां कोई यज्ञ कराएगा नहीं, कोई कर सकता, अग्नियां भी संत हो गई थी। अग्नियों का संत होना अच्छा नहीं मानते, जैसे हमारे यहाँ यज्ञ प्रारंभ होता अच्छी लगन में किस ग्रह में अग्नि आहुति जा रही है, शुभ ग्रह सो अग्नि ग्रह के मुख में जाए तो यज्ञ करते हैं और प्रकट की गई अग्नि को शांत रखते हैं। अगर यज्ञ में अग्नि शांत हो जाए उस क्षेत्र में भूखमरी और बड़े उपद्रव खड़े हो जाते हैं, इसलिए अग्नि को शांत करना अच्छा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ दीपावली जब होलिका दह होता है तो होलिका दह में ज्योतिष शास्त्र ने 3 नियम बतवाए हैं। होलिका दह रात्रि में होना चाहिए, दिन में नहीं होना चाहिए। होलिका दहन को नेत्रों से देखना अशुभ मानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री लाल की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। श्रीमद भागवत महापुराण गंगा माता की जय हो। गो माता की जय हो। ईशान देवता की जय हो। नगर देवता की जय हो। की पताये हर हर हर। भैया प्रसादी बांटो और आरती। भगवान ने स्वीकार क्यों किया? भागों के महीने भगवान का अवतार क्यों हुआ? कृष्ण पक्ष में भगवान का अवतार क्यों हुआ? अश्विनी तिथि को भगवान ने अवतार क्यों आए? बुधवार को ही भगवान ने दिन क्यों चयन किया? आज 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 बापों पर भी प्रकाश डाला गया। केल पक्ष होता है पितरों का, माता पिता जेलखाने में है, माता पिता का उद्धार करने के लिए केल पक्ष में हम पितरों वाला पक्ष स्वीकार कर रहे हैं और मेरे नाम से कल्याण करने के लिए भगवान कल्याण भाव सूचक भाद्रपद महीने को स्वीकार किया। अश्विनी तिथि को क्यों आ रहे हैं? 12 बजे क्यों आ रहे हैं? 3 संध्याएं ग्रहस्थों की होती, प्रातः मध्यान्ह सायं, और 12 बजे जो संध्या होती है ज्ञानियों की, सुतानां तस्यां जगत्सेमि। संपूर्ण जगत के प्रपंची लोग घोर निद्रा में शयन करते हैं। दर्शन करने के रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार का विचार किया। बुध दिन चयन क्यों किया? चंद्रवंश में भगवान आ रहे हैं, चंद्रमा के पुत्र का नाम बुध है। सातवां शेष देवकी के माता में के गर्भ में था तो मुझे रोहिणी के गर्भ में जाना था, लेकिन हमने इतना पक्षपात किया योग माया के द्वारा, सातवें अंश को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया और इसलिए मैं आया 8वां देवकी गर्भ से। ले माता रोहिणी वाला जनसत को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए भगवान ने रोहिणी सत को स्वीकार किया। आज यहां बातों को यहां पर वर्णन किया गया।
प्राकृत नव द्रव्यों की शुद्धि का वर्णन किया गया। यहां पर जिसने न्याय सूत्र मीमांसा का अध्ययन नहीं किया वो इन श्लोकों के भागवत का अर्थ नहीं लगा सकता। ये भागवत की कथा कोई मामूली कथा नहीं, विद्यावतान भागते परीक्षा, विद्वान का परीक्षण लेना है तो भागवत में लो। भागवत की कोई ऐसी कथा नहीं है जिसको हारमोनियम के तार पर से ढोलक बाधक के माध्यम समझा दिया जाए। तो प्राकृतिक नव लक्षणों द्रव्यों की शुद्धि का यहां वर्णन किया गया। जब तक प्राकृत द्रव्यों की शुद्धि नहीं होगी तब तक परमात्मा का निर्मल स्वच्छ पवित्र हो गई का दिशाएं प्रसन्न क्यों हो गई। हर दिशा का एक पति होता, कंस के शासन काल में कारागार में पड़े हुए थे, उनके भाई देवता उत्तर के कुबेर ईशान के ईशान, साय देवता कंस के शासन काल में बनुआ पड़े हुए थे, कारागार में पड़े हुए थे। आज दिशाएं रूपी नायिका को सुनने मिला कि भगवान का आविर्भाव हो रहा, हमारे पति कारागार से मुक्त होकर के जा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सुनने की मिले, किसी नारी को सुनने की मिले, हरदोई जनपद की नारी हो उसे सुनने की मिले फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार से हमारे पति मुक्त होकर के आ रहे हैं, जिस नारी ने वर्षों से सामाजिक विषम में भाग लिया हो, श्रृंगार भी किया हो, सिंदूर न लगाया हो, बासठ सज्जा नायिका के समान शरीर का श्रृंगार करती, आसन पति के लिए लगाती और सद्धर करके पति की अगवानी के लिए खड़ी हो जाती है। हम कैदियों के संदेश देना चाहते हैं, कोई भी अपराध बन रहा है वो उस अपराध का प्रायश्चित करने से अपराध संत हो जाता है। एक बार अपराध करने के बाद भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमारे पाप बन गया, दूसरा ऐसा पाप कर्म जीवन में न बने, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन कैदियों के अंदर हम भगवान की भक्ति डालना चाहते हैं ताकि सन्मार्ग में चलकर अपने जीवन को सफल बनाने। ये 21 तारीख से चल रहा है और 27 तारीख तक 7 दिन का साप्ताहिक पारा है। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे लगभग 2000 बंदी हैं इनमें से अधिकांश 15 साल 17 साल 18 साल 20 साल से बंद हैं जेल में, तो इनको आत्मिक शांति के लिए, उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए, उनके नैतिक स्तर मनोबल के उन्नयन के लिए इस कथा का आयोजन किया गया है, जिसे पंडित रमेश चंद जी ने, पांडे जी ने कृपा पूर्वक हमारे आग्रह को स्वीकार करके यहाँ कथा करने का की सहमति दी और अपना समय दिया। हम इसके लिए उनके बहुत आभारी हैं और बंदियों को काफ़ी इसे अच्छा लग रहा है, उनके मनोभाव पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। पूरी कथा पूरे मनोयोग से सुनते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है पूरी कथा के दौरान। जिससे क्या लग रहा है कैदी काफ़ी समय से मतलब ऐसी चीज़ों को अनुभूत नहीं कर पा रहे थे, तो आपने उनको जो अनुभूत करने का अवसर दिया। अभी पिछले नवंबर में भी भागवत कथा का आयोजन किया था हमने और फिर हो रहा है, तो उससे लोगों को ये महसूस हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें जेल में व्यक्ति की मनोदशा पर अच्छा प्रभाव डालती हैं, वो इनके मुखमंडल से भी दिखाई दे रहा है। ये जो है कब से आयोजन शुरू हुआ और कब तक रहेगा? ये 21 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और 27 फरवरी तक चलेगा, उसे 11:30 और मध्यान्ह काल में 2 बजे से 4:30 बजे तक कथा का वाचन होता है।